नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार वडोदरा मैथ की जारी के मूल पर से है और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 98 और 99 को सॉल्व किए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि 4.5.6.7.7.5.4.5 का बहुलक क्या है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि इस आंकड़ा का जो है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के परिभाषा के अनुसार दिए गए आंकड़े में जो चर सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी चर का मान जो है क्या होगा, तो बहुलक होगा। तो ये देखिए इसमें जो है सबसे अधिक बार जो है 5 आया है, तो 5 जो है इस आंकड़ा का जो है बहुलक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए कि 18.13.17.12.16.19 की माध्यिका क्या है। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए जो है आरोही अवरोही क्रम में सजाना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो है आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। यहाँ पर जो है हम सजाते हैं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 12, तो पहले लिखते हैं 12 कौमा, फिर 13 कौमा, इसके बाद जो है 16, फिर 17, फिर 18, फिर लास्ट में जो है 19। अब चलिए इसके बाद जो है माध्यिका निकालने के लिए जो है गिन लेते हैं कि इसमें जो है चर की संख्या क्या है। तो इनमें जो है चर की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या जो है 6 है, मतलब सम संख्या है। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है, देखिए माध्यिका बराबर मतलब n का मान जो है कितना है, तो 6 है। तो माध्यिका बराबर होगा n बाय 2वां पद प्लस n बाय 2 प्लस 1वां पद बाय 2। तो ये देखिए n का मान कितना है, तो 6 है। तो n बाय 2 कितना होगा, तो एन बाय 2 होगा 6/2 मतलब 3, और एन बाय 2 प्लस 1 कितना होगा, तो 3+1 मतलब 4। तो एन बाय 2 जो है क्या होगा, तो तीसरा पद मतलब 16 होगा। तो 16 प्लस एन बाय 2 प्लस 1 वहाँ पद क्या होगा, तो चौथा पद होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब 17 होगा। तो 17/2, अब देखिए 16+17 कितना होता है, तो 33। तो 33/2 मतलब क्या होगा, तो 16.5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा।